केश किंग शैम्पू जो बालों का झड़ना रोककर बनाए बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ। तो चलो जानते हैं इस शैम्पू के बारे में पूरी जानकारी। मैंने ट्राई किया है केश किंग शैम्पू कम से कम 2 से 3 वीक तक। क्या यह सच में बालों का झड़ना रोकता है, बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने का काम करता है या नहीं, तो जानेंगे इस वीडियो में। इस शैम्पू को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, केश किंग नाम ही काफ़ी है क्योंकि आप सभी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये काफ़ी पुराना शैम्पू है, कोई न्यू लॉन्च शैम्पू नहीं है, बट फिर भी मैंने इसे लगातार कम से कम 2 से 3 वीक तक ट्राई किया है और इसका जो भी एक्सपीरियंस मेरे बालों पर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये है केश किंग एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो बालों पर लगाने पर बालों का झड़ना रोकता है, बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाने का काम करता है। इस शैम्पू में है एलो यानी कि एलोवेरा और 21 आयुर्वेदिक हर्ब्स। केश किंग शैम्पू के इस पैक की कीमत है 400 रुपीज, जो मुझे काफी अच्छे डिस्काउंट रेट पर मिल गया था। साथ ही मुझे मिला था एक के साथ एक पैक फ्री और इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 600 ml। इस शैम्पू पर कई सारे डिस्काउंट रेट चलते रहते हैं, अगर आप भी इसे कम कीमत में खरीदना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पैकेजिंग भी आप देख ही रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी है, इजी टू यूज है। इस पर यूज करने के लिए ये पंप दे रखा है, कहीं से भी कोई भी लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ताकि बाद में आप इसे रीयूज करना चाहे तो रीयूज भी कर सकते हैं। पहले मैंने इसके छोटे पाउच ही खरीदे थे, यानी कि जो सेशेस पाउच में आते हैं वो ही खरीदे थे और इसे अपने बालों पर लगातार 2 से 3 वीक तक ट्राई किया था क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका बड़ा पैक ही खरीद लूँ। और वैसे भी जब भी आप कोई भी शैम्पू या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1 से 2 बार के यूज़ में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपको उसे यूज़ करना होगा लगातार 1 से 2 वीक तक, तभी आपको किसी भी प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप भी केश किंग शैम्पू को ट्राई करना चाहते हैं तो इसके छोटे पाउच भी मार्केट में अवेलेबल है और छोटी बोटल्स भी अवेलेबल है। अगर यूज़ करने पर आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगता है तब जाकर आप इस तरह का बड़ा पैक खरीदें, या जैसा भी आपको सूटेबल लगे, पाउच अगर आपको अच्छे लगते हैं, ईजी टू यूज़ लगते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट पर। ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये बालों का झड़ना रोकता है। दूसरा, अगर आप इस शैम्पू को यूज़ करेंगे तो इससे आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे, यानी कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है और डैमेज रहते हैं तो ऐसे में आप इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हैं। इस शैम्पू के बारे में एक और ख़ास बात, इस पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इसे सिर्फ गर्ल्स ही ट्राई करें, क्योंकि शैम्पू रिव्यू के बाद मेरे पास ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं क्या लड़के इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, ये शैम्पू हेयर फॉल को कंट्रोल करता है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, दिन में कम से कम 100 से ज़्यादा बाल आपके अगर झड़ रहे हैं तो ऐसे में आप एक बार इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मेरे बालों पर तो ये शैम्पू काफ़ी अच्छे से सूट हुआ है। आप इसके सेशेस भी ट्राई कर सकते हैं कि आपके बालों पर ये सूट होता है या नहीं, आपका हेयर फॉल इससे कंट्रोल होता है या नहीं। आजकल हेयर फॉल की समस्या सभी के साथ हो रही है और फिर भी लोग हेयर ऑयल को प्रेफर नहीं करते, लेकिन हेयर ऑयल लगाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये बालों को अंदर से पोषण देने का काम करता है, इसलिए इस बात को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल है, काफ़ी लंबे समय से आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप केश किंग शैम्पू के साथ केश किंग हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करें ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। बात करते हैं केश किंग शैम्पू बालों को स्मूथ बनाता है या नहीं। तो गर्मी में मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा पसीने की वजह से ड्राई और डैमेज से मुझे फील होते हैं क्योंकि ये सभी के साथ होता है। स्कैल्प में पसीना और ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और इसी वजह से बाल ज़्यादा चिपचिपे से लगने लगते हैं या फिर ड्राई भी हो जाते हैं। तो मैंने इस शैम्पू को ट्राई किया, इसने सच में मेरे बालों को सिल्की भी बनाया और स्मूथ भी बनाया। अगर आपको हेयर फॉल नहीं भी है तो ऐसे में भी आप इस शैम्पू को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये शैम्पू का कोई भी नुकसान मुझे महसूस नहीं हुआ है कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़े हो या फिर ड्राई हुए हो, डैमेज हुए हो। सबका हेयर टाइप और स्कैल्प अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई शैम्पू अगर मेरे बालों में सूट हुआ है तो आपके बालों में भी अच्छे से सूट कर जाए, लेकिन हाँ, आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका भी कोई फेवरेट शैम्पू है जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो अपना पूरा नाम, शैम्पू का नाम और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आगे जब भी मैं उस शैम्पू से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर आऊँ तो अपने रिव्यू के साथ आपका भी एक्सपीरियंस वीडियो में शेयर करूँ। तो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। केश किंग शैम्पू रिव्यू आपको कैसा लगा,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।